समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के गठन के विरोध और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर आज छात्राओं के प्रदर्शन पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा दल द्वारा लाठीचार्ज अमानवीय घटना है। यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे सर्वश्री अवनीश यादव, आदिल हमजा, अजय सिंह, अखिलेश यादव, जितेंद्र सिंह, सुशील कुशवाहा, अजय सम्राट, अनुभव सिंह, सौरभ सिंह, आदित्य धनराज, सत्यम कुशवाहा, दीपक सिंह, अभिषेक कुमार, शिवम सिंह आदि निर्मम लाठीचार्ज से 16 छात्र घायल हो गए। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कभी ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठा थी, भाजपा सरकार ने इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा सरकार के हस्तक्षेप के चलते विश्वविद्यालय का प्रशासन पंगु हो गया है और युवा छात्र छात्राओं की रचनात्मकता नष्ट होती जा रही है। छात्र संघ के से चिढ़ के पीछे छात्रों को वैचारिक एवं क्रियात्मक स्तर पर निष्क्रिय बनाना है। छात्र परिषद को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर कुत्सित इरादा अनैतिक है।